हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा जैसवानी। आज मैं आपके पास कुछ और घरेलू चीजों के साथ आई हूँ। जैसे कि हम पिछले वीडियो में कुछ घरेलू चीजों के नाम देख चुके हैं, हम उसके आगे देखते हैं। बट आगे चलने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, वेट किस बात का कर रहे हैं? प्लीज टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। वीडियो में आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस, जॉस स्टिक, पेस्टल। ये तीनों ही अगरबत्ती के इंग्लिश नेम होते हैं। नेक्स्ट, इमेज देख के आप पहचान गए होंगे घर में बहुत ज्यादा यूज आने वाली, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, जी हाँ, कंबल। कंबल को हम इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। नेक्स्ट, कुर्सी। इस कंफर्टेबल चीज का नाम है इंग्लिश में चेयर। नेक्स्ट, जार। हिंदी में और इंग्लिश में जार को जार ही कहते हैं। नेक्स्ट, धागा। कपड़े सीने के इस धागे को हम थ्रेड इंग्लिश में कहते हैं, थ्रेड। नेक्स्ट, जी हाँ, नल। नल को इंग्लिश में हम टैप कहते हैं, टैप। नेक्स्ट, चादर। चादर का इंग्लिश नेम होता है बेडशीट। नेक्स्ट, जी हाँ, लकड़ी और छड़ी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिक। नेक्स्ट, पलंग। पलंग को इंग्लिश में बेड कहते हैं, बेड। नेक्स्ट, प्याला। प्याले को इंग्लिश में कप कहते हैं, कप। नेक्स्ट, फूलदान। फूल रखने के वास को कहते हैं फूलदान, जिसका इंग्लिश नाम है फ्लावर वास। नेक्स्ट, दिए को तो हम इंग्लिश में लैम्प कहते हैं, बट हम इसमें देखने वाले हैं बाती। जो दिए में बाती लगाई जाती है उसको इंग्लिश में विक कहते हैं, विक। नेक्स्ट, बॉटल। बॉटल का इंग्लिश नेम भी हम बॉटल ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, मथनी। दही मथने के लिए या कोई भी चीज मथने के लिए हम जो हम किचन में टूल यूज करते हैं उसका नाम है चर्नर। नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन चीज यूज होने वाली घरों में मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को इंग्लिश में कैरोसिन कहते हैं, कैरोसिन। नेक्स्ट, मोमबत्ती। मोमबत्ती को हम इंग्लिश में कैंडल कहते हैं, कैंडल। जी हाँ, थाली। थाली को इंग्लिश में प्लेट कहते हैं, डिश और प्लेट। रस्सी। रस्सी को इंग्लिश में रोप कहते हैं, रोप। नेक्स्ट, राख। भस्म। राख और भस्म को इंग्लिश में ऐश कहते हैं, ऐश। नेक्स्ट, लेखनी और कलम। लेखनी को इंग्लिश में पेन कहते हैं, पेन। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।